पहनते, तपती गर्मी में भी पैदल चलते हैं, कड़कड़ाती ठंड में भी पैदल चलते हैं। ये जो दो वस्त्र आप इनके शरीर पर देखते हैं, ढाई ढाई मीटर की दो चादर जो गैरू से रंगी हुई होती हैं, मात्र वही पहनते हैं। हरियाणा गोरक्षा संघ के अध्यक्ष हैं, आर्य समाज के अध्यक्ष हैं, लेकिन आर्य समाज का पानी भी नहीं पीते, ऐसे शिष्य, ऐसे गुरु के शिष्य पूजा आचार्य, पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धे आचार्य बालकृष्ण जी महाराज हैं। और श्रद्धे स्वामी जी महाराज भी दो वस्त्र पहनते हैं, जमीन पर सोते हैं, दो समय थोड़ा थोड़ा दूध या लौकी की सब्जी लेते हैं। एक बार जब अनशन की बात चलती थी तो हमने पूछा कि अनशन कैसे होता है, तो लोगों ने बताया कि अन्न नहीं खाया जाता। तो फिर हमने कहा कि स्वामी जी महाराज तो पिछले 20 वर्षों से अनशन कर रहे हैं, उन्होंने तो 20 वर्षों से अन्न खाया ही नहीं है। आइए अब आपको जिसका इंतजार था, ऐसे आयुर्वेद श्रोमणि श्रद्धे आचार्य बालकृष्ण जी महाराज का आशीर्वाद हमें मिलेगा। पतंजलि योगपीठ का ये जो भव्य निर्माण आप देखते हैं, पतंजलि योगपीठ का ये जो सारा निर्माण है, ये मात्र 6 वर्ष में हुआ है। इसका भौतिक निर्माण, इसकी नींव, इसकी जड़ें तो बहुत गहरी है, आजादी से पुरानी है, लेकिन इस भौतिक निर्माण में श्रद्धे आचार्य जी का कठोर तप और पुरुषार्थ हुआ है। ये जो अलग अलग एजेंसियां हमें प्रतिदिन नोटिस भेजती हैं और जिनका हम नोटिस नहीं लेते, उन सारी व्यवस्थाओं के पीछे दृढ़ता के साथ एक चट्टान की तरह, मजबूती की तरह श्रद्धे आचार्य जी खड़े हैं। एक बार श्रद्धे आचार्य जी का जोरदार करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन वंदन। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। श्रद्धेय स्वामी जी, परम सम्मानीय अन्ना जी, प्रतिष्ठित मंच, देश के विभिन्न प्रांतों से पधारे हुए भारत स्वाभिमान के स्वाभिमानी हमारे कार्यकर्ता, मीडिया के सभी बंधुओं और बहनों, किसी के स्वरूप को समझना हो तो आपको अतीत, उसके अतीत को समझना होगा। आपने देखा सुना आंदोलन के संदर्भ में, जिसके लिए यह अभियान किया जा रहा है उसके संदर्भ में, और कहीं आपको थोड़ा सा श्रद्धेय स्वामी जी के अतीत को समझने का कुछ झलकियां आपको मिली। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को पूरी पवित्रता के साथ, पूर्ण पारदर्शिता के साथ जिया हो, और जो अपने लिए नहीं अभी तो देश के लिए जीता हो। लोग पूछते हैं, बाबा आपको सब कुछ प्राप्त था, जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य अपने जीवन को लगाता है, फिर यह आंदोलन क्यों? शायद श्रद्धेय स्वामी जी के हृदय में आप सबकी पीड़ा, देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों की जो पीड़ा है, उस पीड़ा से श्रद्धेय स्वामी जी पीड़ित होते थे, उस पीड़ा को दूर करने के लिए इस पंगा को श्रद्धेय स्वामी जी ने उठाया है। उनको इस आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। लोग कहते हैं कि ये बाबा का आंदोलन, बाबा की यह चीजें, मैं कहता हूं यह देश के 121 करोड़ लोगों का आंदोलन है, श्रद्धेय स्वामी जी का तो आशीर्वाद है और हमारा सौभाग्य है। जो व्यक्ति स्वयं उस चीज में जीता हो, जिसके जीवन के अंदर वह उदात्तता हो, आदर्श हो, मूल्य और मर्यादा हो, उस मूल्य और मर्यादा को हमें अपनी आवाज और शक्ति के रूप में हमें सामने देख करके हम सबकी शक्ति भी कई गुणित बढ़ जाती है। इसीलिए स्वामी जी के एक आह्वान पर, एक आवाज पर पूरा देश खड़ा हो जाता है। अभी श्रद्धेय स्वामी जी बता रहे थे, देश के अंदर पूरे अलग अलग प्रांतों में, प्रांतों के राजधानियों में हजारों हजारों लोग खड़े हैं। देश में नहीं अपितु विदेशों में भी कई जगह पर हजारों लोग आज इस आंदोलन को, काला धन और भ्रष्टाचार के यह अभियान को सफल बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त देश को देखने के लिए,
काला धन को देश में लाने के लिए आज आंदोलनरत हैं। निश्चित रूप से कभी कभी बहुत बड़ी बात, बहुत बड़े उद्देश्य को बहुत छोटी छोटी बातों से उसको डाइवर्ट किया जाता है, उसको कभी कभी भटकाने का प्रयत्न किया जाता है। हमने सुना कुछ लोग कह रहे थे, दिन में बात आई, कुछ लोग कह रहे थे यह तो अनशन के नाम पर मजाक है, देश के करोड़ों लोग, देश के वह पुण्य आत्माएं जिन्होंने अपने प्राणों को, अपने संपूर्ण रक्त की एक एक बूंद को इस देश को समर्पित किया है या समर्पित करने का संकल्प लेकर के यहां आए हैं, उनको कहते हैं यह तो मजाक है। मैं एक बात कहता हूं, यदि यह मजाक है तो इस मजाक से ही इतने भयभीत क्यों हो, यदि यह मजाक है तो इस मजाक से इतने भयभीत क्यों हो, क्योंकि क्योंकि तुम फिर असलियत की सामना करने की तैयारी कर लो, क्योंकि शायद वह तुमसे नहीं झेलेगा, उसकी तैयारी कर लो। कभी अभी बात आ रही है, लोग कहते हैं कि बाबा को अन्ना की जरूरत है, कई अन्ना को बाबा की जरूरत है, इसलिए बाबा और अन्ना एक हो गए हैं, शायद ये अपने एक दूसरे के लिए एक हो गए हैं। मैं एक बात कहता हूं, बाबा और अन्ना तो एक एक मिलकर के 11 हो गए हैं, तुम सोच लेना अब तुम्हें किसकी जरूरत है। यह अभियान, यह आंदोलन इस बात पर यह कहीं यह डगमगाने वाला नहीं है कि कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन हारा या कौन जीता, इसकी बात क्यों नहीं करते हो कि देश कैसे बचेगा। देश को बचाने के लिए जिन मुद्दों को श्रद्धेय स्वामी जी ने उठाया है, जिन मुद्दों को माननीय अन्ना जी ने उठाया है, क्या वो देश के लिए आवश्यक है या नहीं है, आप बताइए। क्या यह मुद्दे देश की जरूरत नहीं है, यह आंदोलन आज देश की आवश्यकता नहीं है, आज हम कहीं सुरक्षित नहीं है, आज हमारे कहीं जीवन के लिए, रोजी रोटी के लिए कोई भविष्य नहीं है, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कैसा देश देख करके जाना चाहते हैं। या तो जो देश में हो रहा है लूट खसोट, अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, हम उसको आंख मूंद करके देखता रहे, या फिर हम उसके विरुद्ध में बिगुल बजा करके कम से कम आप आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कृतज्ञ नहीं होंगे, आने वाली पीढ़ियां कहेंगी हमारे पूर्वजों ने उसके विरुद्ध में अभियान किया था, उसके अंदर मेरे परिवार के लोग भी थे, मेरे समाज के लोग भी थे, मेरे जाति और धर्म के लोग भी थे। इस इतिहास को, इस अतीत को हमें बना करके जाना है। इसीलिए यहां पर ये जितने भी लोग बैठे हैं, पूरे मीडिया के भाई यहां बैठे हैं, आप पीछे देखिए जहां तक आपकी दृष्टि जाती है वहां से भी पीछे तक भाई हैं, कितनी भी गर्मी हुई, कितनी भी चिलमिलाती धूप में, यहां बिल्कुल भी कोई उठ करके, कोई हिल करके नहीं दिया। मैं तो यहां तक कहता हूं कि यह इतने तपस्वी हैं कि सुबह से यह लघु शंका के लिए भी नहीं गए, तो इनकी तप की परीक्षा कोई नहीं ले सकता, क्योंकि इन्होंने अपने प्राणों को अपनी हथेली पर लेकर के राष्ट्र को बचाने को ठाना है। इसीलिए यह श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में यहाँ एक आवाज पर पहुंचे हैं। ये कोई भाड़े की टट्टू नहीं है, ये वो लोग नहीं है जिनको खरीद करके लाया गया हो, ये वो लोग भी नहीं है, ये बिकने वाले भी नहीं है। इनके अंदर एक हिलोरे ले रहा है, राष्ट्रभक्ति की भावना जगी हुई है, इनका खून का कतरा कतरा देश को बदलने के लिए खौल रहा है, ये मचल रहे हैं, अपनी मचलहाट को दूर करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं वंदन करता हूँ आप सबको, नमन करता हूँ। चिंता करने की कोई बात नहीं है, जो रास्ता बदल करके चलते हैं उस रास्ते को रोकने वाले हजारों लोग होते हैं। अभी बात चल रही थी, कई बार मीडिया के भाई हमसे पूछते हैं कि आप लोगों के खिलाफ तो बहुत जांचें चल रही हैं। मैं एक बात कहता हूं कि वह पिछले 4 जून के बाद हमारे बहन राजवाला ने शहादत दी, बहुत सारे मेरे भाई बहन चोटिल हुए, बहुत सारे हमने सोचा था, हमसे एक गलती हुई थी, वह गलती यह थी, हमने सोचा था कि ये हमारे भाई बहन हैं,
विचारों में भिन्नता है, राष्ट्र के लिए इनकी भावनाएं गलत हैं, पर ये इतने क्रूर और कुत्सित नहीं हो सकते हैं। हमने ऐसा सोचने की भूल की, वही हमारी एक गलती थी, पर अब हम उससे भी जागृत हो चुके हैं, उससे भी चेत चुके हैं, अब वो भूल भी नहीं करने वाले हैं। तो 4 जून की ऐसी कौन सी बात थी उसके बाद में पतंजलि योगपीठ ने, आचार्य बालकृष्ण और स्वामी रामदेव ने कौन सी गलती करी थी जिसके लिए आज 60 से ज्यादा नोटिस मेरे पास हैं, और वह सरकार की जितने भी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हैं, जितने भी जांच एजेंसियां हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, ये तो मैं अभी आगे एक पूरी पुस्तक लिखने वाला हूं कि आजाद भारत में नहीं, जब अंग्रेजों का शासन था भारत में, या किसी देश और दुनिया के अंदर किसी संस्था के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर इतने नोटिस इतने कम समय पे कभी किसी को न तो दिया गया होगा, न कभी किसी को मिला होगा, न कभी मिलेगा। यदि इन चीजों को भी किसी ने सहा है तो वो बाबा रामदेव है। अरे जो व्यक्ति देश के लिए जीता हो, एक एक पल देश के लोगों के लिए लगाता हो, मैं एक बात कहना चाहता हूं आज इस आंदोलन में यहां खड़ा होकर के, पतंजलि योगपीठ को बनाने के लिए हमने अपने तन मन धन और पूरी जवानी को लगा दिया है। यदि सरकार चाहती है पतंजलि योगपीठ, उसकी आवश्यकता है, तो श्रद्धेय स्वामी जी और हम आज ही यहीं से सहर्ष देने को तैयार हैं, उस पतंजलि योगपीठ को संभाल लें। हमें पतंजलि योगपीठ की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है देश के 80 करोड़ लोग जो गरीबी, बेरोजगारी और भूख में सोते हैं, जिनको भरपेट भोजन नहीं मिलता है, बदले में उनको भरपेट भोजन दे दें। हमारा जीवन तो उसी के लिए है, इसीलिए हम जी रहे हैं। हम तो जी करके भी मर रहे हैं, हमने इसीलिए अपने आप को मार दिया है। मान सम्मान अपमान और ये सारे लोगों के षड्यंत्र से अपने आप को जीने की आदत हमें पड़ गई है, और हम जीने के लिए तैयार हैं, परंतु अपने मुद्दों से और अपने अभियान से कभी भी समझौता नहीं करेंगे। मर जाएंगे, अगले जन्म में भी पैदा होकर के फिर वही काम करेंगे, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता है। शास्त्रों में कहा, उत्थाय उत्थाय बोधभ्यम महत्भयम उपस्थितम मरण व्याधि शोकानाम की मध्यापतिष्यति। सुबह उठते ही यदि कोई आदमी सोच ले कि आज कोई भयानक दुर्घटना हो सकती है, आज कोई बीमारी की सूचना हो सकती है, आज मृत्यु की घटना हो सकती है, उससे आगे जिंदगी में कोई घटना घटित नहीं होती है। हमने आंदोलन जब से शुरू किया, सब रूपों को हमने देख लिया है, अब कोई रूप देखना बाकी नहीं है। इसीलिए हम पूरी ताकत के साथ, शायद कहीं कोई ताकत में कमी रह गई हो तो उस ताकत के साथ भी हम जुटेंगे। और दूसरी बात, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। यदि पतंजलि योगपीठ खड़ा है तो मैं एक बात कहना चाहता हूं मीडिया के भाइयों से, आज से 5 साल पहले मुझे अच्छी तरह से याद है, आपको भी याद होगा, श्रद्धेय स्वामी जी कहते थे कि योग से बीपी ठीक होता है, योग से डायबिटीज में आराम होता है। तो लोग क्या कहते थे, लोगों ने इसको सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं किया, सरकार ने कोई रिसर्च नहीं किया, उल्टा यह प्रचारित किया गया कि ये बाबा के लोग हैं, ये भाड़े के टट्टू हैं, इनको पैसा दे करके खड़ा किया जाता है और ये जा करके बोलते हैं कि इससे बीपी ठीक होता है। और उन्हीं लोगों ने जब देखा कि वहां तो बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो पैसों के लिए तो नहीं बिक सकते, तो उनको लगा कि इस बात में दम है। उसके बाद में भी विविध तरह के प्रश्न और शंकाएं किया गया, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत के संविधान के अंदर है कि बीपी और डायबिटीज इस तरह के बहुत सारे जो रोग हैं वो मेंटेन करने वाले डिजीज हैं, वो ठीक नहीं हो सकते हैं, वो लाइफस्टाइल से जनित डिजीज है। पर हमने उन बीमारियों को भी ठीक किया, उसको ठीक करने के बाद में इस देश का दुर्भाग्य है कि उन लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च करने की जगह पर बाबा को बदनाम करने का प्रयत्न किया गया और ऐसे षड्यंत्र किए गए, बोले बाबा की तो जो है वो आंख की अतड़ियां उलझ गई, बाबा की तो बाईपास हो गया। क्षमा करना, आपके कई मीडियाओं में भी चला, तो ये सारी बातें प्रचारित की गई, पर उसका उत्तर भी